ब्यूटी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, CS606 का कोर्स जो हमने है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो प्लीज लाइक कर दिया करें, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता जालिमो, लाइक कर दिया करो। मैं आपके लिए पंखा बंद करके वीडियो बनाती हूँ इतनी गर्मी में, कोई टीचर कर सकते हैं आपसे इतना प्यार? तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री है आपसे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आपको लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जालिमो लाइक कर दिया करो, ठीक है? तो हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। कसम से मैं पंखा बंद करके इतनी गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ और इतने मेहनत से आपको डिवेलप करती हूँ, तो आपका इतना सपोर्ट तो बनता है, इतना हक तो मेरा है कि मैं आपसे, आप मुझे लाइक करें। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो आप मुझे उसका फीडबैक दें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों लेक्चर नंबर 5 के रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि आगे जाके भी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, तो आपको पहले से इसकी बेसिक चीजें पता होंगी तो आप मतलब हाई लेवल पे इसको कर सकेंगे। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारा लेक्चर है लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में। लेक्सिकल एनालिसिस जो है टोकन्स को ही, स्कैनर्स को ही कहा जाता है, ठीक है? और हमने फ्रंट एंड में देखा कि जो है सोर्स कोड होता है वो स्कैनर में जाता है, और स्कैनर उनको टोकन की फॉर्म में टोकन्स बना देता है उसको, और उसको पार्सर्स को देता है, और पार्सर जो होता है वो उन टोकन्स को लेके IR जनरेट करता है, ठीक है? उसको IR की फॉर्म में जनरेट कर दिया जाता है, और अगर कोई एरर हो तो वो शो करवा दिया जाता है, जैसे कि ये हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं फ्रंट एंड में, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि जो स्कैनर है, ठीक है, इसका काम होता है टोकन करना, पार्टिशनिंग करना। तो ये देखें, हम पढ़ती हूँ मैं तो फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगी। द टास्क ऑफ द स्कैनर, यानी कि जो स्कैनर का टास्क होता है, इज टू टेक अ प्रोग्राम, ये होता है कि वो प्रोग्राम को ले रिटन इन सम प्रोग्रामिक लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्रामिक लैंग्वेज में लिखा होता है एज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर, और उसके स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को, एंड ब्रेक इट इन टू अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, और जो उसका मतलब हिस्से होते हैं, उनके करेक्टर्स होते हैं, उनको टोकन में ब्रेक कर दे, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो स्कैनर का काम होता है कि प्रोग्राम लेना जो किसी भी प्रोग्रामिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको ब्रेक कर देना टोकन्स में। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस, इस एक्टिविटी को जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। ये आपको मतलब जुबानी आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्कैनर का जो काम होता है वो टोकन्स करना होता है, और इस एक्टिविटी को हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। ये आपसे MCQ उस पे और डेफिनेशन के तौर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अ टोकन हाउएवर कंटेन मोर देन जस्ट द वर्ड एक्सेप्टेड फ्रॉम द इनपुट, यानी कि वो कह रहा है कि एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं जो टोकन होते हैं। द लेक्सिकल एनालिसिस पार्शनिंग इनटू अ स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग्स कॉल्ड वर्ड्स एंड क्लासिफाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब हम टोकन करते हैं तो टोकन को फिर हम ID देते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है? और यही वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है ना, वो पार्शनिंग इनपुट स्ट्रिंग, वो पार्शन करता है इनपुट स्ट्रिंग को इनटू द सबस्ट्रिंग में, और उसको वर्ल्ड कहते हैं, और उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, उसके रूल्स के मुताबिक, ठीक है? आगे चल के आप इन रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आइए हम टोकन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो है वो प्रोग्राम भी है, अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो मैं इसी लेक्चर में करवा दूंगी, और नहीं तो इसके लिए अलहदा से मैं आपको प्रोग्राम वो समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है? अगर आप मतलब बोलेंगे तो टोकन क्या है, और टोकन, और अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आई तो फिर ही वो मैं प्रोग्राम करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी, ठीक है? आपने मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपने वो प्रोग्राम करना है तो फिर मैं आपको वो करवा दूंगी, ठीक है? अ टोकन इज अ सिंटैक्टिक कैटेगरी इन अ सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज, कंसीडर द सेंटेंस, हमने ये कंसीडर किया कि ही रोड द प्रोग्राम,
ये जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है। द वर्ड, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें कुछ जो चीजें हैं वो वर्ब के तौर पे, हम पता है सेंटेंस करते थे इंग्लिश में, आपने सेंटेंस किए होंगे उसमें मतलब कुछ चीजें वर्ब के तौर पे होती हैं, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ मतलब सब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी वही चीजें हैं कि द वर्ड ऑफ सेंटेंस आर, यानी कि ये जो वर्ड है ही अलहदा वर्ड है, रोट अलहदा है, द अलहदा है और प्रोग्राम अलहदा है। हमने इसको टोकन कर दिया, ठीक है। टोकन का काम क्या होता है, पार्शनिंग कर देना, डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। डिवाइड मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब हर एक लफ्ज को अलहदा कर देना और फिर उसको आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है। द ब्लैंक्स बिटवीन वर्ड्स हैव बीन इग्नोर, यानी कि जो इसके अंदर ब्लैंक्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। दीज वर्ड्स आर क्लासीफाइड एज सब्जेक्ट, यानी कि ये क्लासीफाई मतलब इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ मतलब जो वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दीज आर रूल्स सिमिलर, यानी कि जो प्रोग्रामिंग में रूल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। द सेंटेंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, जैसे कि हमने ये एक प्रोग्राम लिखा तो हम मतलब उसमें भी तो हमने अलहदा अलहदा किया था, तो इसमें हम इफ को अलहदा कर देंगे, जो बी है उसको अलहदा कर देंगे, कॉमा को अलहदा कर देंगे, ये सारी चीजें हमने अलग अलग लिख ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दीज रूल्स आर की वर्ड्स वेरिएबल्स, यानी कि इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि इफ एक कीवर्ड्स है, ठीक है, इसमें कुछ मतलब ऑपरेटर्स हैं जैसे कि इक्वल ऑपरेटर्स लगा हुआ है, जैसे कि असाइन ऑपरेटर है, वैल्यू को असाइन किया गया है, तो ये चीजें वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के जरिए, इसी तरह इसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है जब हम टोकन बनाते हैं। द रूल्स आर की वर्ड्स वेरिएबल्स बूलियंस ऑपरेटर्स, यानी कि ये रूल्स हो सकते हैं की वर्ड्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी, बूलियन ऑपरेटर्स भी, असाइन ऑपरेटर भी, द पेयर, यानी कि सारे हो सकते हैं। इज द नेम गिवन, इज द नेम इज द गिवन द नेम टोकन, हेयर आर सम फिमिलर टोकन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें कुछ उसने मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टोकन्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई हम ऐसे करते हैं कि एक्स है और वाई की वैल्यू वन है और मैक्स साइज है। कीवर्ड जो है वो इफ है, मतलब ये आइडेंटिफायर्स हैं, एक्स भी एक आइडेंटिफायर है, ये वाई इलेवन और मैक्स साइज, ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं। कीवर्ड जो है वो इफ है, एल्स है, वाइल है, फॉर है। इंटीजर जो है वो टू है, हंड्रेड है, ये माइनस में है। फ्लोट में जो वैल्यू होती है वो वहां पे जो होता है वो डॉट होता है, तो वो फ्लोटिंग प्वाइंट होता है, ठीक है, ये वो वाली वैल्यू है। ये सिम्बल्स हैं और ये साइंस हैं, ठीक है, जैसे एंटर, एक्स, एरर, ये जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं। तो ये वाला प्रोग्राम जी, ये वाला प्रोग्राम ही जो है वो उन्होंने करवाया हुआ है। तो अगला है एडहॉक लेक्चर, ये जो है वो क्या कहते हैं कि इसमें जो चीजें हैं, इसमें ये चीज है कि ये जो है कोई भी इसमें स्पेशल टूल इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम जो है वो कोड जनरेट नहीं करते, ये बल्कि हैंड राइट कोड होता है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं खुद से, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो चीज यूज नहीं होती, कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन हैंड राइट कोड टू जनरेट टोकन्स, और इनका काम भी यही होता है टोकन्स को जनरेट करना, लेकिन ये हैंड राइट कोड होता है एडहॉक लेक्चर, ठीक है। और इसकी मतलब प्रॉब्लम ये होती है, ये मतलब काम कैसे करता है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, ये काम ऐसे करता है कि जो पार्शनिंग करता है इनपुट स्ट्रिंग की बाय रीडिंग लेफ्ट टू राइट, रिकॉग्नाइज वन टोकन एट अ टाइम, यानी कि ये जो होता है इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है लेफ्ट टू राइट, और एक एक टोकन को एक टोकन एक ही टाइम पे रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। वी विल लुक अहेड, अब लुक अहेड क्या है, लुक अहेड मतलब ये चीज है कि इसमें हम जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है,
ठीक है, हम उसको उसको रीड नहीं करते बल्कि जो अगली स्ट्रिंग होती है उसको रीड करते हैं, ताकि हम जान सकें, हम डिसाइड कर सकें कि टोकन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे रीड करेंगे आप तो आपको समझ आएगी कि लुक अहेड इन ऑर्डर टू डिसाइड वेयर वन टोकन एंड एंड द नेक्स्ट टोकन बीइंग, यानी कि वो चीज जो मैंने आपको बता दी कि इसका काम ये होता है डिसाइड करना कि टोकन कहाँ से एंड हो रहा है और नेक्स्ट टोकन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड, यानी कि ये उन्होंने सी प्लस प्लस कोड दिया हुआ है, क्लास बनाई हुई है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपको अलहदा से एक मतलब लेक्चर तैयार करके तो आपको अलहदा से ये समझा दूंगी, पार्ट टू इस लेक्चर का बना दूंगी अगर आप स्टूडेंट्स कहेंगे तो, क्योंकि ये काफी लेंथी जो है वो प्रोग्राम है और लेक्चर जो है वो शॉर्ट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इस वजह से तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, ज्यादा लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो ये जो है आगे बस सिर्फ ये कोड ही है। दिस वर्क ओके, हाउ एवर देर आर सम प्रॉब्लम्स वी नीड टू टैकल, ये मतलब ये सारी चीजें उन्होंने यही बताई हुई हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। वी कैन एक्सटेंड द लेक्चर क्लास बट देयर आर नंबर्स ऑफ अदर इश्यूज कैन बी मेक द टास्क ऑफ हैंड राइटिंग अ लेक्चर ट्रेडिशंस वी नीड टू मोर प्रिंसिपल्ड अप्रोच द मोस्ट एफिशिएंसी अप्रोच इज यूज टू लेक्चर जनरेटर, यानी कि वो कह रहा है कि इसमें ये चीज याद करने वाली है कि अगर आपको मोस्ट फ्रीक्वेंसली अप्रोच अपने मतलब कोड पर चाहिए, आप चाहते हैं कि उसमें किसी भी किस्म का एरर ना हो, तो हम उसमें लेक्चर जनरेटर्स को यूज करते हैं। दीज दैट जनरेटर्स एफिशिएंट टोकनाइज ऑटोमेटिकली, और ये जो जनरेटर होते हैं ये टोकनाइजर टोकन कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, और हमें मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये था आज का लेक्चर, तो छोटा सा लेक्चर था, अगर आप प्रोग्राम कहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। तो लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं, इसमें हमने पढ़ा कि स्कैनर जो होता है, स्कैनर का काम होता है टोकन्स में मतलब टोकन कर दे, ठीक है, चीजों को टोकन कर दे, और इस ये जो प्रोसेस होता है उसको लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं, और फिर जो है वो टोकन है, जैसे कि हम जैसे एक प्रोग्राम इंग्लिश में है, जैसे कि एक सेंटेंस है, तो वैसे ही हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम जो है इसको टोकन कर देते हैं, और उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है कि ये मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेरिएबल है, बूलियन है, इसमें कौन सा ऑपरेटर है, ये चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं। ये सारी चीजें जो है वो प्रोग्राम में भी यूज होंगी। तो एडहॉक जो था ये हैंडराइट कोड था, इसमें हमें कोई भी जो है वो लॉजिकल कोई भी चीज यूज नहीं करनी पड़ती, हम हैंड राइट करते हैं, ठीक है, कोड को। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है पार्सनिंग द इनपुट स्ट्रिंग बाय रीडिंग लेफ्ट टू राइट रिकॉग्नाइज वन टोकन एट अ टाइम, यानी कि इसमें जो है स्ट्रिंग्स को रीड किया जाता है लेफ्ट टू राइट, और एक ही टाइम पर एक टोकन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। लुक अहेड का मतलब ये है कि हम मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग है हम उसको भी देखते हैं और जो अगली है उसको भी देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि टोकन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो बाकी ये जो चीजें हैं वो प्रोग्राम है। तो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो ये मैं प्रोग्राम आपको जरूर समझा दूंगी। तो अब तक ख्याल रखें, जज़ाकअल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।